मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मथुरा जन्मभूमि ईदगाह विवाद में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लग गया है। अलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी खारिज कर दी है और अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि हिंदी पक्ष की अर्जी को मानना है हाई कोर्ट ने। आपको बता दें कि इनमें 18 याचिकाएं अलग अलग कोर्ट दायर भी अलग अलग करेगा। अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर दायर की थी और इसमें हिंदू पक्ष का कहना था कि इन सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ हाई कोर्ट में की जाए क्योंकि मामला बहुत ज्यादा गंभीर है और जल्दी फैसला आना चाहिए। जैसे अलग अलग याचिकाएं दायर हैं वैसे ही अलग अलग समय पर इस तरह से ये मामला कभी नहीं सॉल्व हो पाएगा। ऐसे में हाई कोर्ट ने सभी याचिकाएं अपने पास तलाब कर दी हैं और सभी याचिकाओं पर सुनवाई करके पक्ष का कहना है कि यहाँ इस तरह से अपील सुनवाई योग्य नहीं है, लिहाजा इसकी सुनवाई नहीं की जाएगी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ बोल दिया है कि याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं और इनमें सुनवाई हो सकती है। अब सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ होगी। इसी में विष्णु जैन ने विस्तार में बताया कि किस तरह से उन्होंने दलील पेश की और अदालत ने उनके पक्ष में कैसे बताया। नहीं देखिए, काफी इम्पोर्टेंट फैसला है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। 4 साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेकर 4 महीने की काफ़ी डिटेल सुनवाई हुई है और आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट हैं होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेन में हैं और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम अपनी एविडेंस लीड करें और इन द मीन टाइम जो एडवोकेट कमीशन के सर्वे पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम इन द मीन टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे, साथ ही साथ इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैविट भी दाखिल करेंगे। देखिए, सबसे बेसिक ग्राउंड हमारा यही था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है और जो एक गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बाधित हैं, ये ज्ञान व्यापी में भी होल्ड हो चुका है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ही कि ये केस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं, वफ एक्ट से बाधित नहीं है और कृष्ण जन्मभूमि के केस में भी यही बात होल्ड हुई है। उसका मूल कारण ये है कि वफ का भी जो नोटिफिकेशन है वो नॉन मुस्लिम्स पे इस केस के फैक्ट्स में अप्लाई नहीं करता। अभी तक की जितनी भी दलीलें दी गई हैं उसमें ये साफ पता चल गया है कि ये मामला आगे बढ़ेगा और सुनवाई भी होगी क्योंकि हाई कोर्ट ने साफ तौर पर बोला है कि ये मामला सुनवाई योग्य है। सुनवाई की 12 अगस्त तारीख निर्धारित हो चुकी है। इसी में आगे जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।